तो गाइस यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम हमारे फोटो का लोगो किस तरीके से बना सकते हैं। तो फोटो का लोगो बनाने के लिए हमें पिक्सल लैब एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो प्ले स्टोर से आपको एकदम से फ्री मिल जाएगा। तो चलिए पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करके कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे और ये न्यू टेक्स्ट दिख रहा है इसको सिंपली यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट कर देंगे। और गाइस लोगो का साइज जो होता है वो इसी साइज का होता है, तो इसलिए इसको साइज को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली अब क्या करेंगे कि प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे उस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका हमें लोगो बनाना है। तो चलिए फोटो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इधर से, जैसे कि मैंने ये फोटो सिलेक्ट कर लिया इधर से। अब इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा। अब इस राइट साइड पे क्लिक कर देंगे, अब इसको इस पर स्प्रेड कर देंगे पूरी तरीके से, ठीक है भाई। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको स्प्रेड कर दिया, थोड़ा और बड़ा इसको कर देते हैं क्योंकि हमें लोगो बनाना है और सिर्फ फोटो वोटो इतना आना चाहिए, ये जो बीच में आ गया, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको लॉक कर देंगे। तो डबल लेयर पे क्लिक करेंगे और इस पर लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको लॉक कर देंगे और वापस से डबल लेयर पे के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको वापस भेज देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे फोटो के पीछे बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ फ्रॉम गैलरी में से क्या करेंगे, बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने बहुत सारे बैकग्राउंड इसके लिए डाउनलोड कर रखे हैं और ये सारे के सारे बैकग्राउंड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ से इनको डाउनलोड कीजिए। तो जैसे कि बैकग्राउंड के लिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, अब इसको बैकग्राउंड में हम सेव कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब डबल लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमारा फोटो है ना, इस पर पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे और इसको ऊपर ले आएंगे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, ये ऊपर आ गया भाई। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये लोगो बन करके तैयार है। इस बैकग्राउंड का भी आप लोगो बना सकते हैं और या अगर आप कोई दूसरा बैकग्राउंड चाहते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मेरा जो लोगो था बिल्कुल एज इट कैसे बनाया था, तो उसके लिए मैंने बैकग्राउंड सिलेक्ट किया था, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जल्दी से दौड़ करके जाइए और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे कि ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब इसको मैं स्प्रेड कर देता हूँ पूरी तरीके से कुछ इस तरीके से भाई, है ना, ये मैंने स्प्रेड कर दिया। आप डबल लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऐसे सेम फोटो को ऊपर ले आएंगे, फोटो वाले लेयर जो है, अब इसको वापस भेज देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे फोटो का लोगो बन करके तैयार है। अब सिंपली इसको क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से इसको सेव एज प्रोजेक्ट करेंगे, यानी इसको सेव कर देंगे। तो जो भी नाम आप डालना चाहो डाल करके सेव कर सकते हैं, मैंने डन कर दिया, ऐसे सेव नहीं होगा, बैक करना पड़ेगा। अब ये ओके पे क्लिक करेंगे, सेव हो गया। तो ये सेव एज प्रोजेक्ट सेव हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे। सिंपली सेव एज इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे हम जो डिफॉल्ट लग रहा है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम देखिए बहुत सारी क्वालिटी दे रखी है, लो, मीडियम, हाई, अल्ट्रा, ठीक है। तो हम अल्ट्रा वाले लेंगे भाई। तो अब क्या करेंगे, सिंपल अल्ट्रा वाले पे क्लिक करके सेव टू गैलरी कर लेंगे और इस तरीके से हमारा फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो जैसा कि हमारी इमेज सेव हो चुकी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ गैलरी में जा करके। तो कुछ इस तरीके का फोटो देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा लोगो बन करके तैयार है चैनल के लिए, ठीक है भाई। तो इस तरीके से कुछ आप अपने चैनल के लिए लोगो अपने फोटो का बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए थोड़ा सा तो हेल्पफुल जरूर रहा होगा, और जरा सा भी हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जननी जय मातृभूमि।